मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में थाना झांसी रोड क्षेत्र अंतर्गत होटल प्रभा के सामने माधवनगर गेट पर एक कार ने एक मोटरसाइकिल सवार युवक को टक्कर मार दी। कार और मोटरसाइकिल की टक्कर से युवक के सिर में काफी चोट आई, जिसके कारण काफी खून भी बहने लगा और युवक की इलाज के पहले ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की स्पीड काफी तेज थी, जिससे यह दुर्घटना घटी। जैसे ही एक्सीडेंट होने की झांसी रोड थाना पुलिस को खबर लगी, वैसे ही मौके पर झांसी रोड थाना पुलिस पहुंची और टक्कर हुई मोटरसाइकिल को जब्त कर थाने भिजवाया, जहां पर एक्सीडेंट में घटना स्थल पर आसपास के लोगों ने बताया कि जिस कार से यह दुर्घटना घटी है वह कार इस क्षेत्र के एक व्यापारी की बताई जा रही है। उसी कार के द्वारा मोटरसाइकिल सवार युवक को टक्कर मारी गई। घायल युवक को ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां पर उसके इलाज के पहले ही मौत हो गई। इस घटना के बारे में झांसी रोड थाना प्रभारी आसिफ बेग मिर्जा ने बताया है कि माधवनगर गेट के पास एक्सीडेंट होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें मोटरसाइकिल सवार युवक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया गया है और थाने में मर्ग कायम कर लिया गया है, जहां पर अस्पताल कर्मचारियों से भी सूचना प्राप्त हुई थी कि जो गाड़ी हॉस्पिटल में मोटरसाइकिल सवार युवक को लेकर आई थी उसी कार से एक्सीडेंट हुआ है। पूरे मामले की जाँच की जा रही है। घटना हुई है माधवनगर गेट पर, क्या घटना करा? अभी हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अज्ञात आदमी का एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई है, जो जेएच में मर्चुरी रूम पे आ गया है। तो वहाँ से डॉक्टर साहब के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई है, उस तहरीर के आधार पर मर्ग कायम कर लिया गया है जो जांच में है। और उसमें गाड़ी का भी जो लेके गया था बता रहे हैं, संभव से जो हॉस्पिटल लेके पहुँचा था उसी की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। विवेचना में जो भी तथ्य होंगे उसके हिसाब से अगली कार्रवाई की जाए। हॉस्पिटल के पास से पता पड़ा कि जो गाड़ी लेके गई थी उसने टक्कर वगैरह मांगी, लेकिन मार के चला गया वो? नहीं, जो मुझे बताया था कि साहब जिसने टक्कर मारी संभवतः वही उसको लेके हॉस्पिटल आया है, लेकिन अभी जो ओरली बात है उसको ऑन रिकॉर्ड तस्दीक करने के बाद जो भी होगा और जितने भी आरोपी होगा उसको कार्रवाई की जाए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए ग्वालियर से सागर शर्मा की रिपोर्ट।